फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की बहुत ही फेमस रेसिपी चिकन बिरयानी। बहुत लोग बोलते हैं बिरयानी बनाने में बहुत हार्ड है और हमसे अच्छे से नहीं बन पाती, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जैसे स्टेप वाइज बताया है वैसे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स चिकन बिरयानी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 kg बासमती राइस लिया है, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। फिर यहाँ पे 1/2 kg ऑनियन लंबे साइज़ में कट करके लिया है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ली है, धनिया एंड कोरिएंडर मैंने बारीक कट करके लिया है, यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट ली है, घी लिया है, एक बाउल में ऑयल लिया है, एक लेमन लिया है, यहाँ पे मैंने कैच का चिकन मसाला लिया है, यहाँ पे मैंने 1 tablespoon बिरयानी मसाला लिया है, 1 tablespoon चिल्ली पाउडर ली है, 1 bowl दही लिया है, यहाँ पे साबुत मसाले लिए हैं, 1 तमालपत्र, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल और 1 छोटी इलायची। यहाँ पे 1/2 kg चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। बिरयानी में ये ध्यान रखिए कि चिकन राइस एंड ऑनियन की क्वांटिटी सेम रखिए। मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ 1/2 kg लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चिकन का मैरिनेशन कर लेते हैं। हम चिकन एक बाउल में लेंगे, फिर इसमें 1 tablespoon जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट डाल लेंगे। वन टेबलस्पून ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची की पेस्ट डाल लेंगे और इसमें 1 bowl दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 teaspoon सॉल्ट डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम फ्रीज में 1 hour के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे राइस कुक कर लेंगे। एक पतीले में 1/2 liter पानी लेकर नींबू डाल लेंगे। नींबू डालने से इस राइस का कलर और भी खिल के दिखता है। फिर इसमें 2 tablespoon ऑयल डाल देंगे, 1 छोटी इलायची फ्लेवर के लिए डाल लेंगे। फिर इसमें हमने वॉश करके जो राइस लिए हैं वो डाल लेंगे। राइस को हमने 80% ही कुक करना है, ये बस 10 टू 15 मिनट्स में 80% कुक हो जाएगा। अब हम पहले थोड़ा ऑनियन कढ़ाई में तल लेंगे। ऑनियन पे थोड़ा सॉल्ट ऐसे डाल के इसे मिक्स हाथों से मिक्स करके इसे कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे ऑयल लेकर ऑनियन डाल लेंगे। साथ ही राइस देख लेंगे ये कुक हो रहा है क्या अच्छे से। बीच बीच में चेक कर लेना है ऐसे फिंगर से। 80% कुक होना चाहिए ये। ऑनियन को ऐसे बार बार हिलाकर
देखना है ब्राउन हो रहा है क्या। ये ब्राउन हो गया है अच्छे से, इसे हम निकाल लेंगे। फिर हम कढ़ाई में ऑयल लेके चिकन बना लेंगे। अब पहले दो तमालपत्र डाल देंगे, फिर इसमें एक स्टार फूल डाल लेंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, दो लौंग डाल देंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसमें ऑनियन डाल लेंगे, ऑनियन थोड़ा जल्दी पकने के लिए इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, अब यहाँ ऑनियन पक गया है, फिर इसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे, वन टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून चिकन मसाला डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसे मिला लेंगे, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, फिर इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। अब हमने जो चिकन 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखा था फ्रीज में, वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम 10 टू 15 मिनट्स ढक कर कुक कर लेंगे। ये देखिए, अब ये चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब सब रेडी है, हमारा राइस रेडी है और चिकन रेडी है। अब हम बिरयानी के लिए लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे चिकन का लेयर डालेंगे, उस पर राइस का लेयर डाल देंगे, इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पे हम धनिया पत्ता और पुदीना डाल लेंगे। अब हमने जो ऑनियन तल लिया था वो डाल लेंगे। फिर इस पे 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। अब फिर से चिकन का लेयर डाल देंगे। फिर ऊपर से राइस का लेयर,
जो चिकन का ऑयल बचा हुआ था वो डाल दिया है मैंने, और ऊपर से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता का लेयर डाल देंगे। फिर ऑनियन का लेयर डाल देंगे, फिर ऊपर से 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। अब हम इसे दम पे रखेंगे। गैस ऑन करके एक तवा ले लीजिए, इस पर बिरयानी का पतीला रख दीजिए। अब हम इसके ढक्कन को ऐसे गूंधे हुए आटे से सील कर लेंगे। ताकि इसके वेपर्स बिल्कुल बाहर ना निकले। इसे अब हमने 20 टू 25 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है, और 20 मिनट हो जाने पर अब हम इसका आटा ऐसे निकाल लेंगे। चाकू के मदद से मैंने ये पूरा आटा निकाल लिया है। अब ढक्कन उठा के देखिए, हमारी बिरयानी रेडी है। इसमें हम ऊपर से अब थोड़ा सा केसर का दूध डाल लेंगे। इससे टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही लजीज और डिलीशियस दिख रही है हमारी ये चिकन बिरयानी। ऊपर से ये तला हुआ प्याज और पुदीना सजाकर सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सब इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर एक बार ट्राई करना, और आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।